पढ़ाई चल रही है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। 4.3 ए है पहला सवाल कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हम बताए थे दो दिन पहले वीडियो में कि मूलों का अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता है, पहले उसको हम चेक करते हैं हल करने से पहले। तो इसके तीन कंडीशंस होते हैं। पहला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालेंगे, यदि यह जीरो से बड़ा हो मतलब इसका मान पॉजिटिव में मिले, इसके दो वास्तविक मूल मिलेंगे, दोनों मूल क्या होंगे असमान होंगे, ठीक ना। इसके दो रूट्स मिलेंगे, मूल अथवा रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे असमान होंगे और रियल होंगे। दूसरा बताए थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो मिलता है तो इसके दो मूल मिलेंगे, दोनों मूल क्या होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे। तीसरा कंडीशन बताए थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, इसके मतलब उसका मान क्या आएगा निगेटिव आएगा, निगेटिव आए तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, ऐसे समीकरण का अस्तित्व तो नहीं है। अगर समीकरण का अथवा मूल का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक ना, मूल का अगर अस्तित्व तो नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसका मूल का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हल करने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। अब देखें यही होता है, इसको डिक्रीमेट करते हैं, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना करेंगे, कंपेयर है ना, कंपेयर करने पर क्या होगा ए का मान हो जाएगा टू, बी का मान माइनस सेवन और सी का मान तीन होगा। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर इसका मान तीन मान हो सकते हैं, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है अथवा क्या हो सकता है जीरो हो सकता है अथवा जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है निगेटिव हो सकता है, ठीक है। इससे पूरा इस समीकरण जो भी दिया हुआ समीकरण उसका हिस्ट्री पता चल जाता है कि उसके मूल क्या होंगे। अगर यह निकालेंगे यदि यह पॉजिटिव में आता है और जीरो से बड़ा आता है तो इसके दो मूल मिलेंगे, दोनों मूल असमान होंगे और रियल होंगे। पहले निकाल के देखिए यही अस्तित्व होता है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं, निगेटिव आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं है। यहाँ बी की जाते हैं माइनस सात का स्क्वायर फोर गुणे ए की जाते टू सी की जाते सत्यास चार गुना आठ के चौबीस, ठीक है। इससे तुलना किए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जगह पे आपका दो है, बी के जगह पे माइनस सात, सी के जगह पे तीन है। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकाले, बी के जगह पे माइनस सात रखे हैं, सात सत्यास होगा फोर, ए के जगह पे दो, सी के जगह पे तीन, तीन दुना छह चौको चौबीस, घटाने कितना आएगा नौ में से चार या पांच यहाँ पे दो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, पच्चीस जीरो से बड़ा है ना, क्या होगा मूलों का अस्तित्व है, यहां लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व अगर अस्तित्व है तो हम इसको हल करेंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो सवाल यही है आपका, दो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, क्या करते हैं सबसे पहले इसके पहले जो भी अंक होता है उसको दोनों पक्षों में उसी अंक के द्वारा भाग दिया जाता है। तो किससे इसमें भाग देंगे हम, दो से, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू प्लस थ्री बाई टू इक्वल जीरो, राइट।
राइट टू, इसको हम इधर कर दिए हैं बराबर के इधर, यहाँ क्या है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, पूर्ण वर्ग के लिए आपको फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में देखें दो है, ठीक है, इसमें दो नहीं है तो दो से हम पहले गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है, दो से गुणा करेंगे और नीचे दो से भाग देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, दो से गुणा किए दो से भाग देंगे, कट जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो इंटू एक्स इंटू सात बट्टा सेवन अपॉन फोर, अब देखो यहाँ क्या है टू ए की जगह पे आपका एक्स है, बी की जगह कितना है सेवन अपॉन फोर है, यहाँ पे आपका सेवन अपॉन फोर है, यहाँ किसका पद है बी स्क्वायर का पद है, मतलब सेवन अपॉन फोर का पद है। अगर इसमें प्लस देखो इस इक्वेशन में नहीं है कहीं प्लस सेवन बाई फोर, अपने आप से किए हुए जोड़े हैं ऐड किए हैं इसमें, अगर इधर ऐड करेंगे तो इक्वेशन के इस साइड में भी अगर ऐड इतना ही मान से कर दें तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वेशन विशेषता होती है कोई भी अंक से आप जोड़ो दोनों पक्षों में एक ही अंक अगर जोड़ते हो घटाते हो अथवा गुणा करते हो भाग देते हो तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इधर भी हम ऐड कर देंगे सेवन बाई, ठीक है। और इसके ज्यादा क्या फॉर्म देखो यहाँ एड किया एड किया इसीलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐड क्यों किए हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐड किए हैं, ठीक है। इसके ज्यादा हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे x से बी जगह क्या है सेवन बाई फोर है, देखो बी स्क्वायर सेवन बाई फोर, ठीक है, टू ए बी टू ए बी, यहाँ सेवन बाई फोर यहाँ क्या किए हैं ऐड किए हैं, इधर भी हम ऐड कर दिए हैं, इधर क्या होगा माइनस थ्री बाई टू प्लस ऐसे सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर फोर जा सिक्सटी हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाई फोर ए सिक्सटी, क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे भाग देंगे टू एट जा सिक्सटीन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ठीक है, यहाँ पे यही होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एट माइनस सेवन बाई फोर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, कहीं भी जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, ठीक है, एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल क्या होगा प्लस माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव का जो अंडर रूट होता है फाइव होता है सिक्सटीन का अंडर रूट फोर होता है, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे हम प्लस चिन्ह ले लेंगे साइन लेने पर क्या होगा एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल फाइव बाई फोर एक्स इक्वल फाइव बाई फोर प्लस सेवन बाई फोर कितना हो जाएगा सात पांच बारह ट्वेल्व पांच फोर बराबर थ्री हो गया, एक तो मान इसका ए आ गया, फिर क्या लेंगे हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है, शून्य लेने पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल माइनस फाइव बाई फोर एक्स इक्वल माइनस फाइव बाई फोर प्लस सेवन बाई फोर घटे कितना होगा टू अपॉन फोर वन अपॉन, ठीक है, देखो माइनस फाइव है प्लस सेवन है टू हो जाएगा टू अपॉन फोर, ऐसे
इसी विधि को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की विधि। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की विधि। ठीक है, एक और सवाल का हम मनन करें। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, पूछेंगे। अगर इसके पहले भी हम बता चुके हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको पूछ लेंगे, हम पुनः उसका वीडियो बना देंगे, प्रोजेक्ट जो बनाए हैं अपलोड कर देंगे, हम देख लेंगे और चेक करके आपको बता देंगे मैथ का जो प्रोजेक्ट है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2x² + x - 4, इसी का सेकेंड पार्ट है, 2x² + x - 4। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। चेक करने के लिए वही होता है, इससे हम कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, है ना। अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का मान 2 होगा, b का मान 1 होगा, c का मान -4 होगा। देखो a का मान, b का मान कुछ नहीं है 2, सी का मान -4। क्या निकालेंगे, b² - 4ac, बी की जगह पर 1² - 4×2 × -4, 4ac, 4 a की जगह पे 2, c की जगह पे -4। ठीक है, तो 1 हो गया माइनस माइनस प्लस, एक क्या होगा 4×8 और 4×32 कितना हो गया है 38। ठीक है, क्या होगा, b² - 4ac > 0 होगा, 2x² + x - 4 है, तुलना करेंगे a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, c की जगह पे -4, b² - 4ac की जगह पे कितना है 1 है, 1 का² 1, 4 a, a की जगह पे 2 है ना, c की जगह पे 4, 4×16 = 32 है 33। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, लिख लेंगे हम, मूल मतलब रूट से होता है, मूलों का अस्तित्व है। यही अगर निगेटिव आ जाता मूलों का अस्तित्व नहीं होता, अगर इक्वल 0 आ जाता तब भी क्या होता, मूलों का अस्तित्व होता, राइट। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम आपको ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, 2x² + x - 4 = 0, इसे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, बोलिए दो से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में 2 से। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x² 1/2x - 4/2 = 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x² - x × 1/2 = इसको हम इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ना 4/2। इसको काट भी सकते हैं, अभी हम काट देते हैं, आप काट लें 2×2 = 2, 2×2 = 4। ठीक है, अब देखो x² - इसमें 2 नहीं है तो 2 गुणा करेंगे, यहाँ यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन
9, 2 से गुणा किए हैं, 2 से भाग किए हैं, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x इंटू 1 बाई 4, ये क्या है? देखो क्या फिर कमी है, जो यहाँ होता है इसी का हम लोग वर्ग यहाँ पर आता है। अभी फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ रहता है उसी का वर्ग रहता है तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इसका वर्ग अगर यहाँ मिल जाए तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ये इस इक्वेशन में नहीं था, 1/4 का होल स्क्वायर हम अपने आप से यहाँ जोड़े हैं, वही जोड़ेंगे जो यहाँ रहेगा। अगर इतना जोड़े हैं तो इस साइड में भी इतना जोड़ना पड़ेगा ताकि मान में परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब ये जोड़े हैं अपने आप से ही, आप लोग नहीं समझ में आता हमें पता है, इसलिए किए हैं कि अब पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब ये होगा, चूंकि ये जोड़े हैं इसलिए इधर भी इसको मान को हम ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन के दोनों साइड में कोई विशेष एक ही मान ऐड करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, राइट। यहाँ क्या होगा चिन्ह, प्लस होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 16, कितना हो गया 16 × 32 से 35 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 35/16, ठीक है। अब हम कर सकते हैं x, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कन्वर्ट किए हुए हैं, x प्लस 1/4 इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 हो गया, नहीं बात। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे, क्या होगा, प्लस साइन लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल प्लस 33/4, तो x इक्वल क्या होगा, 4 प्लस 1/4, मतलब ये अंडर रूट 33 प्लस 1/4 हो जाएगा। भूल करके और ये जोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कि हम अंडर रूट 34 कर देंगे, अगर ऐसा करते हैं तो आपका सवाल टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग तत्काल भी ऐड कर देंगे, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो है ये लिखें, क्योंकि वो सजाती नहीं है, लाइट कर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह, क्या होगा, x प्लस 1/4 इक्वल माइनस 39/4, 4 − 1/4, देखिए प्लस है नहीं, इधर जाकर क्या हो रहा है, माइनस होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा मिस्टेक पे, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। अब ये क्या होगा, −33 − 1/4, माइनस अगर कामा ले लेते हैं तो 33 + 1/4 आ जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस साइन लिए तो भी प्लस हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए हम माइनस है, हम माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस 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 कॉमन लिए हैं तो प्लस हो गया, ये हो गया, ठीक है।
इसी को हम लोग कहते हैं कि यह जो मान है अल्फा है, यह मान है बीटा है, ये जो मान है क्या है बीटा। इसको अलग अलग भी माना जा सकता है अल्फा और बीटा के रूप में, ठीक है। एक को अल्फा मान सकते हैं, एक को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से एक और सवाल हल करके बाकी आपको होमवर्क दे देंगे, आप लोग उसको करेंगे घर पे बैठकर। अगला है 4x² थर्ड वाला। (4x²+4√3x+3=0) सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इसको हल करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होता है तो इसको हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे कितना है 4 है, बी की जगह पे 4√3 है, सी की जगह पे क्या है 3 है। बात समझ आई? हम निकाल रहे हैं (b²−4ac)=, बी की जगह क्या लिखेंगे 4√3, ठीक है। ए का मान ए होता है, बी का मान ए होता है, मतलब ए का मान एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी का मान एक्स का कोएफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी होता है। तय हो गया 4 × 4 × b² a हो गया (-4×4ac) है ना, a के जगह पे क्या है 4 है, c के जगह पर 3 है। कितना हो जाएगा 4×4=16 × 3, ठीक है। 1 × 4×16=48 0। अगर 0 भी होता तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व तो होता है, अंतर क्या होता है, दो मूल मिलेंगे, दोनों मूल इसके क्या होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अरे चेक कर ले तो पूरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्ट्री मिल गया कि दो मूल मिलेंगे, एक्स के दो मान मिलेंगे, दोनों मान क्या होंगे वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, दो वैल्यू इसके मिलेंगे। देखे मिलता है कि नहीं, क्या पढ़े लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व है कैसे है, पहले लिखेंगे हम 4x²+4√3x+3=0, किससे भाग देंगे 4 से, 4√3x/4 कट गया ना, कितना होगा (√3) आया, ठीक है। इसको इधर कर देंगे तो (-3/4) हो। फार्मूला में अभी जैसे बताए थे (a+b)² होता है (a²+2ab+b²), यहाँ 2 है, यहां 2 अपने आप से हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 से गुणा किए हैं तो क्या होगा, 2 से हमको भाग भी देना पड़ेगा, 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या किए हैं, 2 से हम भाग दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो फार्मूला बनाने के लिए, सब फार्मूला बनाने के लिए हो रहा है (√3/2) है, प्लस क्या जोड़ा जाता है, जो यहाँ होता है बी होता है, देखो बी है ना, तो बी का स्क्वायर हम जोड़ेंगे, यहाँ क्या होगा (√3/2) का स्क्वायर,
अगर इस साइड में हम ऐड किए हैं तो इतना ही मान इस साइड में भी हमको ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों ऐड कर दिए, मान में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो a धन b का होल स्क्वायर, b क्या क्या है a है, इधर क्या होगा माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, ये भी होगा 4 कट जाएगा ना, x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल 0, x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल 0, या क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस अंडर रूट 3/2। देखो x का केवल एक ही मान मिला, x का कितना वैल्यू मिला एक मिला, यहाँ पर क्या है 0 है, जैसे मूलों का अस्तित्व तो है यार, 0 होता है तो क्या होता है केवल एक ही वैल्यू x की मिलती है, यहाँ पर क्या है एक ही वैल्यू मिला है। ठीक है, एक सवाल हम दे रहे हैं आपको घर से करने के लिए, जरूर ये घर से करके लाएंगे, कल के वीडियो से पहले हम आपको ये देखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, हम दोबारा उसको बता देंगे। ठीक है, ये आपका है 2x² + x + 4, 2x² + x + 4 इक्वल 0। ठीक है, इसको आप लोगों को हल करना है, किस वजह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, नहीं समझ में आया क्या करेंगे हम इसको बता देंगे, रिवीजन ही आपका चल रहा है क्योंकि सब मेथड हम आपको बता दिए हैं, इसलिए एक दिन में 3-4 सवाल है, 2 सवाल हम देते हैं, आप लोग हल करके उसको दिखाना है। राइट, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।